नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य का परिचय दिया। पूरी दुनिया आज भारतीय सेना का शौर्य देखी और आज जब वायुसेना, थल सेना और जल सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, हमारी वायुसेना ने आज अद्भुत विहंगम दृश्य पेश किया। आज इसको देखकर आज हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया और आज हर कोई गर्व से जय हिंद बोल रहा है, अपने सेना के सपूतों को नमन कर रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वॉर मेमोरियल पर पहुंचे, वहां पर सभी सपूतों को नमन किया। इसके बाद वो राजपथ पहुंचते हैं। राजपथ पे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद पहुंचते, उनका उन्होंने वेलकम किया, उनका स्वागत किया। इसके बाद फिर राजपथ पर सलामी ली गई, सबसे पहले 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद फिर सेना के शौर्य को आज पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है और न्यूज इंडिया के पास बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है और जिसमें सबसे बड़ा चेहरा पडरौना से आरपीएन सिंह को टिकट कंफर्म है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। प्रयागराज दक्षिण से नंद गोपाल नंदी जो पहले से भी वहां पे हैं और प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। करछना से नीलम करवरिया और मानिकपुर से आनंद शुक्ला, करछना से नीलम करवरिया को और मानिकपुर से आनंद शुक्ला को, और बलिया की बैरिया सीट से सुरेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में भी विधायक है उनको टिकट दिया गया है। बलिया सदर से आनंद स्वरूप, गाजीपुर सदर से संगीता बलवंत, घोषी से राम विलास, सुल्तानपुर सदर से राजेश्वर सिंह, लंबुआ से देवमणि द्विवेदी को दोबारा टिकट दिया गया, सिसवा से प्रेम सागर पटेल। तो ये वो नाम है जो संभावित नाम है और न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पडरौना से आरपीएन सिंह को टिकट दिया गया है। दीपक चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दीपक, जो संभावित लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें सबसे बड़ा जो नाम है जो अभी आरपीएन सिंह बीजेपी में आए हैं, माना जा रहा कि पडरौना से उनको टिकट दिया गया है। और यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिलचस्प लड़ाई होने वाली थी, लेकिन खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है वहां से चुनाव न लड़ें। जी देखिए, बिल्कुल अंजनी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये लिस्ट जो है वो सिर्फ न्यूज़ इंडिया के पास है और ये संभावित उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि ये कंफर्म नाम है। और देखिए मैं बता रहा हूँ, आप जैसे आपने कहा कि स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं वो फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आरपीएन सिंह का एक बहुत बड़ा कद है। कल जब न्यूज इंडिया ने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी जो मुझे दायित्व देगी मैं उसके लिए निभाने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में कल ही शाम को कह दिया था न्यूज इंडिया से कि मैं पडरौना से इस बार चुनाव लड़ूंगा और मंत्री भी बनूंगा। और बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनको पता है कि अगर वहां से आरपीएन सिंह अगर खड़े होते हैं तो उनका जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि पहले ये देखे आरपीएन सिंह पहले देश के गृह राज्य मंत्री थे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा था। भले कांग्रेस ने इनको यूज नहीं किया, जिस तरीके से इनको झारखंड में लगा दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया, पर इसका बीजेपी पूरा फायदा उठाने जा रही है और बीजेपी अपने उम्मीदवारों में इनको नाम शामिल कर रही है। और इनका लड़ने का मतलब ये होगा कि कम से कम आसपास की जो 3 से 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन अगर वही बात की जाए तो देखिए लिस्ट पे आएंगे, बाकी लिस्ट पे जानेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक चैलेंज दे रहे थे पडरौना में कोई भी लड़ेगा अब वो जीतेगा, हमारी पार्टी का हमारे सहयोग से जीतेगा, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो खबर ये आ रही है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो सकता है किसी और को लड़ा दें। क्या आरपीएन सिंह से डर है, क्योंकि 2009 में आरपीएन सिंह ने हराया था, हालांकि फिर 2017 में मोदी लहर में, योगी लहर में वो जीत गए थे वो। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही कहा कि वो सिर्फ अपने बलबूते नहीं, मोदी लहर में जीते थे। जब 2017 में जब मोदी लहर थी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी यूपी में, तभी वो जीते थे, उससे पहले आरपीएन सिंह ने उनको हराया था। और अब कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि अगर आरपीएन सिंह बीजेपी की तरफ से आते हैं तो ये फाइनल है कि वो हार जाएंगे, और इसी बात को लेकर लगातार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के जो सोर्सेस हैं, जो कई नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो लड़ के दिखाएं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को डर है कि अगर आरपीएन सिंह वहां से उम्मीदवार होंगे तो फाइनल है कि वो हार जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं संभावित लिस्ट हमारे पास है उसमें मैक्सिमम सिटिंग एमएलए को जो टिकट दिया गया है,
जी देखिए, ये फाइनल था क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को भी पता है कि सरकार बनानी है। और देखिए, विधायकों से नाराजगी नहीं है, जिन विधायकों से नाराजगी थी उनका उनका काटा जाएगा, पर ये ऐसे नाम है जो संभावित नाम है और ये कंफर्म भी क्योंकि देखिए नाराजगी किस बात की होगी, कहीं ना कहीं सबको पता है कि जो केंद्र और जो राज्य सरकार के डबल इंजन की जो सरकार है उसने अच्छा काम किया। अगर बात की जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस की, बात की चाहे मेडिकल कॉलेज की, बात की जाए सोलह मेडिकल कॉलेज की, हमने जनता के सामने रख दिया है। इसमें तमाम वो नाम है जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको भी दोबारा मौका दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं का जमावड़ा आज दिल्ली में होगा। बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा के घर पर पहुंचने लगे जाट नेता और थोड़ी देर में अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। दीपक, अब देखिए जिस तरीके से ये पूरा दांव खेला गया, अभी देखिए मुसलमान और जाटों में जो एकता की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और एक एक टिकट पे एक सीट को लेकर वहां पे घमासान मच गया, वहां जाट नाराज हैं और एक तरफ किसान नाराज थे। क्या लगता है कि बीजेपी के पास एक मौका मिल गया इस जाटों और मुसलमानों के बीच जो अदावत हुई, जो जाटों की नाराजगी है उसको बीजेपी भुनाएगी और आज अमित शाह से मुलाकात की खबर आ रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो करीब 4 बजे के आसपास में जाट नेता परवेश वर्मा है जो सांसद है दिल्ली से, उनके आवास पर मुलाकात होगी। और यह पहली मुलाकात नहीं है, 2017 में भी मुलाकात हुई थी, तब जाके जो जाट हैं वो पूरे के पूरे बीजेपी के समर्थन में आ गए थे और वहां से प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी थी। और देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब किसान के धरना था, किसान नेताओं की नाराजगी थी कृषि कानून को लेकर, उसके बाद कहा जा रहा था कि जो जाट नेता है वो कृषि कानून से नाराज है और कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। 2017 में मुझे याद है कि जब मैं कवर कर रहा था तो उस टाइम हरियाणा के मंत्री थे, उनके आवास पर यह बैठक हुई थी और लगातार जब गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे अपील की और कहा कि आपकी सरकार है, आप आइए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जब अगर आपको जरूरत पड़ेगी अमित शाह आपके लिए खड़ा होगा। तो उसके बाद लगातार जाटों ने बहुमत से वोट दिया और वही कारण है कि इस बार फिर दोबारा बैठक हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि जो जाट है वो नाराज है कृषि कानून को लेकर, तो आज उनको मनाने की कवायद तेज हो जाएगी। देखिए कल एक बयान आया था नासिर अहमद के जो आरएलडी के जो सपा के जो प्रत्याशी हैं उनके जो सहयोगी, उन्होंने ये कहा था कि जो मुसलमान है वो 46,000 है और जो जाट है वो 24,000 है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये फायदा लेना चाहती है पश्चिमी यूपी में कि कहीं उनको साथ लिया जाए, अगर वो साथ आ जाते हैं जाट तो फिर दोबारा से बीजेपी 2022 में सरकार बनाएगी। जो समीकरण बना था दीपक इस पूरे मामले में, आप देखिए जो वहां पे मुस्लिम और जाट में अदावत होती है, जाट एक मुश्त जो है बीजेपी के पाले में आ गए थे, लेकिन अभी माना जाए जो किसान नाराज है उसमें जाटों में काफी नाराजगी है, लेकिन कल परसों जो मौका मिला आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सीट पे जो विवाद हुआ था उसमें लगता है कि कुछ बीजेपी को अब लाभ मिल जाएगा क्या? और आज ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो रही है उस क्षेत्र में देखा जाए तो। देखिए अंजनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां एक तरफ जब कृषि कानून बिल आया था उसके बाद पश्चिमी के जो किसान नेता है वो लगातार नाराज थे और वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो उसको लेकर अब बीजेपी क्योंकि देखिए जब बीजेपी के कोई भी सांसद या विधायक जाते हैं वहाँ क्षेत्र में तो उनको नाराजगी झेलनी पड़ती है, जाटों की नाराजगी झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि उनका वाइकआउट किया जाता है, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। दीपक, उसके बाद दिखा रहे हैं तमाम वो जाट नेता है वो सांसद महोदय के घर पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और उनका वेलकम भी किया जा रहा है। अब जो जमावड़ा है वो जुटना शुरू हो चुका है, जो जाट नेता है वो दिल्ली में आने शुरू हो चुके हैं और सांसद महोदय के आवास पर तमाम जो जाट नेता है वो पहुंच रहे हैं। दीपक, हम देख रहे हैं कि तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं परवेश वर्मा जी के आवास पर। जी देखिए, जो जाट नेता है वो अब परवेश वर्मा के घर पहुंच रहे हैं, करीब 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पश्चिमी का जो मशहूर गुड़ होता है उसकी व्यवस्था की गई है कि गृहमंत्री अमित शाह अपने हाथों से कुछ खिलाएंगे कुछ जाट नेताओं को, जो गणमान जो नेता हैं जाट नेता हैं उनको खिलाएंगे, क्योंकि देखिए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पिछली बार लंच था, इस बार गुड़ का, क्योंकि गुड़ का महत्व बहुत पश्चिमी यूपी में माना जाता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी एक शुभ संकेत देना चाहती है कि खुशी से पहले एक मिठाई तो बनती है। चलिए चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो चलिए, जाट नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। उधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में छात्र काफी नाराज हो गए हैं और पिछले 3 दिन से उनका उग्र प्रदर्शन जारी है। और बिहार के गया की बात करें तो आज गया में उग्र प्रदर्शन छात्रों ने किया, रेलवे में भर्ती को लेकर छात्र कई दिनों से बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में छात्रों ने ट्रेन को रोक दिया, अभ्यर्थियों की क्या मांग है
दरअसल रेलवे अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पहले ही की तरह एक ही चरण में हो, और विरोध की वजह से आरआरबी ने 2019 की में और एनटीपीसी के 35,000 पदों पर बहाली निकाली थी और सितंबर 2021 में परीक्षा हुई 20 गुना से अधिक, करीब 11 गुना छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें करीब 3,80,000 छात्र CBT 2 की परीक्षा से वंचित रह गए। एक ही छात्र का 6 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया, जबकि कोई भी छात्र एक ही पद पर बहाल होगा। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। कई छात्र जो ज़्यादा नंबर लाए, अब उनके नंबर कम आ रहे हैं। इसके अलावा छात्र हंगामा कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 के परिणाम से नाराज जो छात्र हैं, इसके पहले पटना में उन्होंने अपने आंदोलन किया था, राजीव नगर टर्मिनल पर धरना दिया। नाराज छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रेल मंत्रालय ने फिलहाल बयान जारी किया, उम्मीदवारों को चेतावनी दी कि रेलवे की नौकरी पाने से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित आप हो जाएंगे अगर ऐसे उग्र आंदोलन किया आपने तो। CBT 2 एग्जाम है जो पहले नोटिफिकेशन में नहीं डाला गया था, और एग्जाम होने से पहले एकाएक बच्चे के रूप में मतलब कि मैसेज आता है कि नहीं, अब CBT 2 लिया जाएगा। दूसरी है कि एक तो कोई जैसे कि अभी रेलवे का जो एग्जाम हुआ है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2019 में, और अभी तक ना उसका पूरा मतलब सिस्टम क्लियर हुआ है, ना एग्जाम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना रिजल्ट जारी किया जा रहा है। कहा गया था कि मतलब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और पता ऐसा है कि मतलब जो एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसको 4 विभिन्न पोस्ट के लिए मतलब कि चयनित कर लिया गया है। तो बताइए कि जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके बाद वो मतलब किस रूप में भरा जाएगा। ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है, और यही वैकेंसी को ये आप उनको देख सकते हैं जो उस समय के मतलब कि रेलवे मंत्री थे, उन्होंने जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है, और कुछ नहीं है। और इस रूप में एक एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का सिस्टम बना दिया गया है। तो आप देखिए छात्र काफी नाराज हैं, हालांकि रेलवे तरफ से इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एक कमेटी का गठन किया गया है, ये कमेटी पूरे मामले को जांच करेगी, छात्रों की क्या आपत्ति है उसको भी समझेगी, जानेगी, इसके बाद इस रिपोर्ट को रेलवे विभाग को भेजा जाएगा, इसके बाद उस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन छात्र काफ़ी नाराज हैं, उनका कहना है कि इस पूरी परीक्षा में कई ऐसे छात्र हैं जो एक ही छात्र चार चार पांच पदों पर उसकी जो है उनका नाम सामने आ गया है, तो ऐसे में उनकी नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी इस तरीके से आप देखिए, रेलवे कोच को आग के हवाले कर दिया, गया में आग लगा दिया, नवादा में आग लगा दिया, पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी रेलवे ट्रैक पर बैठकर जाम लगा दिया था, वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस से गोले छोड़े, करीब 500 छात्रों पर अज्ञात पर FIR दर्ज किया गया। इसके बाद ये कहा गया है रेलवे की तरफ से कि अगर आप ऐसे ही आंदोलन आप लोग करते रहें तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में आप इस तरह की रेलवे की परीक्षाओं में भर्ती नहीं भाग ले सकते हैं। तो बिहार नहीं, अब तो यूपी के भी कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, और लखनऊ में न्यूज इंडिया के दफ्तर में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया और पूरे आन बान और शान के साथ तिरंगा को फहराया गया। इस दौरान लखनऊ दफ्तर के जो हमारे सारे कर्मचारी, हमारे साथी पत्रकार मौजूद रहे, और इस दौरान आप देखिए हमारे लखनऊ की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर तिरंगा फहराया गया और आन बान शान के साथ ये तिरंगा लहराया और सभी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। और आप देखिए यहाँ पे हमारे टीम के तमाम जो सदस्य हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। लखनऊ टीम है, ये हमारी लखनऊ की टीम है जहाँ पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, झंडारोहण किया गया, वहाँ पर तमाम हमारे साथी आपको नज़र आ रहे हैं। तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया और न्यूज़ इंडिया के लखनऊ दफ्तर में भी। चलिए अब आते हैं, जब आज राजपथ पर दिखा हमारे वायुसेना का दम, शौर्य दिखा, राफेल का दम आप देखिए, सुखोई की दहाड़ देखिए। सुखोई ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से आसमान में करतब दिखाया और तिरंगा बनाया, और जगुआर की शान देखते ही बन रही थी, MiG-21 की ताकत आप देखिए, और आज हर कोई देखता ही रह गया। MiG-35 हेलीकॉप्टर ने आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले
इसकी अगवानी की। इसके बाद आप देखिए और जो झांकी है जिसको देखने के लिए आज हर कोई ललायत रहता है, हालांकि राजपथ पे बहुत कम लोग पहुंच पाए लेकिन टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे थे, जो लोग नहीं देख रहे थे उनको हम दिखा रहे हैं यूपी की झांकी। आज देखिए आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मेन आकर्षण का केंद्र रहा, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मेघालय, अरुणाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, हर राज्य के रंग इन झांकी में नजर आई। और हालांकि कोरोना की वजह से सभी राज्यों की झांकियां तो नहीं आ पाई थी लेकिन जो भी आई मन मोह लिया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और सड़कों पर भीख मांगने वाले गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नन्हे परिंदे नाम के इस कार्यक्रम के तहत वैन के जरिए इनके पास जाकर इनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है ताकि वो भी अपना भविष्य संवार सके। इस कार्यक्रम का नोएडा में जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने। शिक्षा सबको मिले और शिक्षा सब तक पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। HCL फाउंडेशन और चेतना जो NGO है उसके माध्यम से नन्हे परिंदे, यहाँ बाकायदा नन्हे परिंदे के नाम से ये एक अनोखी पहल शुरू की गई है गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा, ताकि जो बच्चे हैं, जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो जो सड़कों पर रहते हैं, उन बच्चों को एजुकेशन कैसे मिले इसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा ये इस तरह की जो है 4 वैन पूरे गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जो शुरुआत की गई है। और ये वैन देखिए इसमें मॉनिटर भी लगा है ताकि ऑनलाइन सबको पढ़ाया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो इनके टीचर हैं वो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे बाकायदा यहाँ देखिए पेंटिंग भी बना रहे हैं क्योंकि आज ये 26 जनवरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या बनाया बेटा आपने, ये झंडा। कब से पढ़ रहे हो आप ये? एक साल से। तो एक साल से इन बच्चों की एजुकेशन इस फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। 40 बच्चे को एक बार में ये सिटिंग की व्यवस्था है ताकि 40 बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और हमारे साथ डायरेक्टर हैं जो कि इस फाउंडेशन के, जो कि इसको पूरा देख रेख आप कर रहे हैं, इसके क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता मेरा नाम है। और मैं गुप्ता जी ये बताइए तो कैसे इसको मैनेज करते हैं आप, कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पूरा आप काम करते हैं? देखिए ये जो पूरी परियोजना है ये नोएडा पुलिस के सानिध्य में HCL फाउंडेशन और चेतना मिलकर चला रहे हैं। 4 वैन हैं और ये 4 वैन बहुत सुसज्जित वैन हैं जिनके अंदर बैठने की व्यवस्था है, न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं, कागज़ कलम पेंसिल करते हैं, दिन बांट रखे हैं हमने, 3-3 दिनों के अंतराल पर ये गाड़ियाँ एक जगह पर जाती हैं, ऐसी जगह जाती हैं जहाँ बच्चे विषम परिस्थितियों में या तो रहते हैं या काम करते हैं, भीख मांगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल है या जो बोटेनिकल चौराहा है, आप अट्टा मार्केट है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चे मिलते हैं। तो ये बताइए क्योंकि एक बार में कितने बच्चे को आप पढ़ा देते हैं और फिर क्या जो बच्चे सपोज कीजिए कि आपने कहा कि 6 महीने की आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो टीचर्स कैसे, किस तरह के टीचर्स इनको बच्चों को बताते हैं? और जो स्ट्रीट पे बच्चे रहते हैं या फिर झुग्गियों में रहते हैं तो कितने बच्चों को अभी तक एजुकेशन दे चुके हैं? देखिए इसमें अभी कुल मिला के करीब 1200 बच्चे जुड़े हैं और ये बच्चे जैसे मैंने आपको बताया हफ्ते में 3 दिन आते हैं। हमारा अपना एक करिकुलम है जिसको हम सृजन के नाम से जानते हैं, वर्कशीट मॉडल है। कोई बच्चा अगर सृजन को कर लेता है तो 6 महीने से 1 साल में वो स्कूल जाने लायक हो जाता है। चूँकि ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं तो प्राथमिकता यह है कि बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाएँ, स्कूलों में ही इनका भविष्य है। और ये एक तरह से प्रिपरेटरी मॉडल है और इसके लिए जो टीचर्स हैं वो रखे गए हैं जिनकी पूरा एग्ज़ाम होता है, उनको देखा जाता है कि बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं, एक रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड बनता है जिसके आधार पर इन बच्चों को आगे लेवल पर ले जाया जाता है। तो अभी 108 बच्चे जो हैं वो स्कूलों में ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं और अब धीरे धीरे अभी हमने कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया था, इन बच्चों के आधार कार्ड, इनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, आज DM साहब ने भी इसका दौरा किया है, तो और भी जो स्कीम्स हैं उनसे जोड़ा जाए। तो बिल्कुल देखिए इस वैन के अंदर बाकायदा पूरी व्यवस्था है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वैन में बच्चों को किताबें और पेंसिल और सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देखिए इस तरह से ये वैन पूरी, हम इसके अंदर आपको दिखाएं, यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है सिटिंग की बाकायदा, यहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए, हाथ धोने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी के अंदर सारा सामान इसके अंदर फिट हो जाता है, जो किताबें हैं, बैठने की जो सिटिंग है वो, और तो और जो चीज़ जो मुहैया शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर, जो ये देखिए ये भी बच्चे यहाँ बैठे हैं और क्योंकि सभी बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं आज, तो आपने क्या बनाया है? हमने झंडा बनाया है। झंडा बनाया है,
अच्छा, तो आपने क्या बनाया? मैंने एक देश का फौजी बनाया और झंडे के सामने सल्यूट करते हुए पे बनाया। तो यहाँ पे कब से पढ़ने आ रहे हैं आप? हम यहाँ पे हमको 1 साल हो गया। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि जो बच्चे हैं, शिक्षा सब तक पहुँचे और सभी शिक्षित बने, ये जो सरकार है हमारे देश की, उसका भी लक्ष्य है और संविधान में भी राइट्स है कि शिक्षा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर।